नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रयम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि की समस्त देशवासियों को समय जगत समूह की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आष्टा, जावर, सिद्धिगंज थानों में अब तक हुई कार्यवाही की जानकारी दी SDOP ने। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर SS चौहान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर समीर यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी आष्टा श्री वीरेंद्र मिश्रा के मार्गदर्शन में अवैध हथियारों की धरपकड़ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उप निरीक्षक उपेंद्र पाराशर के नेतृत्व में हमराह बल द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम नरपा खेड़ी गाँव से सुनील नाल पिता फूल सिंह उर्फ फुल्ला नाल उम्र 21 वर्ष निवासी नरपाखेड़ी को उसके घर में छिपाकर रखी गई एक भरमार बंदूक एवं 10 छर्रे तथा पाउडर जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आष्टा अनुविभागीय में अब तक 2,52,537 रुपए कीमत की 678 लीटर शराब जब्त की गई। SDOP वीरेंद्र मिश्रा ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 10 मार्च से लेकर अब तक आष्टा अनुविभागीय में आबकारी एक्ट के तहत अब तक 678 लीटर शराब कीमत 2,52,573 रुपए की शराब जब्त की गई है। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 37 प्रकरणों में 34 छुरी, चाकू, 3 कट्टे, भरमार बंदूक, 4 कारतूस जब्त किए गए। वहीं सट्टा एक्ट के तहत कुल 27 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। वहीं 131 आदतन अपराधियों के विरुद्ध धारा 110 के तहत कार्यवाही की गई। अनुविभागीय में 9 अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही भी की जा रही है। सिद्धिगंज पुलिस ने कुछ कार्रवाई की कल, क्या है पूरा मामला? अभी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार अवैध हथियार, अवैध शराब और बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल सूचना मिली थी कि ग्राम नरपा खेड़ी में एक व्यक्ति के घर में अवैध बंदूक होने की सूचना थी और ये भी पता चला कि इसके चुनाव में दुरुपयोग हो सकता है। इस सूचना पर हमारी वहाँ की पुलिस के द्वारा सिद्धिगंज थाना की नरपा खेड़ी में जाकर घर पर दबिश दी गई तो वहाँ सुनील लाल के पास एक देसी भरमार बंदूक और उसकी छर्रे आई बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पिता के द्वारा यह बंदूक कहीं से प्राप्त की गई थी, क्योंकि उसके पिता घटना की पूर्व से बिल्कुल जनक जानकारी प्राप्त हुई है। इस तरह से इसके खिलाफ आम शक्ति कार्रवाई की गई। पिछले कुछ समय से लगातार चुनाव के मद्देनज़र आष्टा संभाग के पार्वती थाना, आष्टा थाना, सिद्धिगंज और जावर में लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। आप लोगों के संज्ञान में भी है, इस अभी जब से आचार संहिता लगा है तो आष्टा अनुविभाग के अंतर्गत एक देसी रिवॉल्वर, 2 12 बोर के कट्टे और कारतूस और ये चौथा अभी फायर आर्म्स जब्त हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अभी तक 131 आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 9 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। 37 लोगों के खिलाफ आम सेट के तहत कार्रवाई की गई है और 90 लोगों के खिलाफ अवैध शराब बेचने के प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आष्टा अनुभाग को बाहर के जिलों से लगने वाले पॉइंटों पर जैसे कन्नौज पर वहाँ पर चेकिंग पॉइंट लगा हुआ है, इधर सुजालपुर साजापुर जिलों पर मैना के पास लगातार चेकिंग पॉइंट लगा हुआ है और जावर थाना क्षेत्र में दौलतपुर घाटी पर भी हमारा एक चेकिंग पॉइंट लगा हुआ है जहाँ से लगातार बाहरी लोगों पर चेकिंग कर तलाश की जा रही है। सर, जो बंदूक पकड़ी गई है उद्देश्य जानकारी मिली, क्या उद्देश्य हो सकता है उसका किसी? इसके पीछे प्रथम दृष्टिया तो ये लग रहा है कि ये शिकार करने का भी उद्देश्य हो सकता है और चुनाव को भी प्रभावित करने के उद्देश्य हो सकता है। इसके संबंध में भी बारीकी से पूछताछ की जा रही है। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।